अभी जैसे इसका टीजर देखा ही, और टीजर देखने के बाद ऐसा मन किया यार क्यों ना इसके बारे में बात की जाए, तो हाजिर हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे अटैक टीजर मूवी के बारे में, अटैक मूवी के टीजर के बारे में, जिसमें जॉन इब्राहिम मुख्य भूमिका में और साथ में जैकलीन ये भी मुख्य भूमिका के अंदर है। खैर मूवी का टीजर देखकर काफी ज्यादा गूजबम तो आए, मतलब कि इसमें एक तरीके का जो पोस्टर देख के लग रहा है जिसमें लिखा गया है इंडियाज फर्स्ट सुपर सोल्जर ऐसे कुछ करके लिखा गया, जिससे ये पता चला कि हाँ भैया इसमें कुछ अद्भुत कुछ यूनिक करने की कोशिश की गई है। जैसा हम हॉलीवुड मूवीज में देखते आ रहे थे कि भाई उसमें सुपर सोल्जर लेके आ रहे हैं जो कुछ भी कर पा रहे हैं, दीवारों को तोड़ देते हैं, खैर भारत में भी तोड़ देते हैं ऐसे ही, लेकिन वो एक थोड़ा सा उसके साथ चलते हैं कि हाँ एक हमने रोबोट बना दिया, ये दीवारों में मारेगा तो टूट जाएगा, भारत का एक अलग हिसाब समझना है, ठीक है उसको कंपेयर मत करना। अब यहाँ पर जो ये चीज देखी तो मेरे को एक मूवी याद आई, अभी हाल फिलहाल में 2019 में मूवी रिलीज हुई थी, ब्लड स्पॉट या ब्लड शॉट ऐसी कुछ करके मूवी थी, वैन डीजल की जो मूवी थी 2019 में आई थी, उसमें भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो अटैक मूवी है उस कॉन्सेप्ट पे आधारित है, लेकिन ये जब ट्रेलर मैंने ये टीजर मैंने पूरा देखा तो मुझे उस मूवी की याद आ गई कि वहां पर भी वैन डीजल के साथ कुछ ऐसी घटना होती है और उसके साथ कुछ ऐसा किया जाता है कि वो सुपर सोल्जर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो काफी सारी नैनो टेक्नोलॉजी उसके अंदर दिखाई जाती है, मतलब काफी सारी चीजें वो करने लग जाते हैं। सेम यहां पर भी दिखाया गया कि जॉन इब्राहिम के साथ यहां पर एक विस्फोट होता है, कहीं पर होते हैं तो वहां पर विस्फोट होता है तो इनको इंजरी होती है, और अब शायद ऐसा हुआ होगा मूवी में आने, जब ये मूवी आएगी तब तो अच्छी बात उसके अंदर तब अच्छे से बात कर लेंगे, लेकिन इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद इनके साथ इंजरी हुई ऐसी कि जब इनका ऑपरेशन हुआ शायद इनको ऑप्शन दिया गया हो कि हम आपके साथ ऐसा ऑपरेशन करना चाहते हैं जिससे आप एक नेक्स्ट लेवल पे चल जाएंगे, मे बी शायद ये एक गैस हो सकता है बट कुछ ऐसा ही हो सकता है। तो उनको ऑप्शन दिया गया और इन्होंने हाँ कर दी और इनके साथ एक ऑपरेशन हुआ जिसके बाद इनके अंदर एक साइबोर्ड या हाफ रोबोट वाली ऐसी कुछ पावर्स इनके अंदर आ जाती हैं। खैर जो इनकी लास्ट मूवी आई थी जॉन इब्राहिम की, तो उस सत्यमेव जयते 2, तो उन्होंने इस मूवी के अंदर सत्यमेव जयते 2 के अंदर एक व्यक्ति जो बाइक के ऊपर बैठा हुआ था और उन दोनों को जॉन इब्राहिम सर ने दोनों को एकदम बिल्कुल बैलेंस में उठा लिया था। अब सोचा हुआ यार कुछ अलग करते हैं, अब यहां पर लोग यकीन नहीं करेंगे कि मैं मुक्का मारकर दीवार तोड़ दूं या फिर कुछ और एक्स्ट्रा कर दूं या चलती मिसाइल को रोक लूं, तो वो थोड़ा सा अलग करने की जरूरत है। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना चलो कॉन्सेप्ट अपनाते हैं सुपर सोल्जर वाला, मैं ये मजाक कर रहा हूं, थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो जाना चाहिए। खैर मूवी का टीजर मुझे काफी पसंद आया, इसके एक्शन जितने इस मूवी में दिखाए गए हैं वो वास्तव में मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, और एक देखकर लगा कि कुछ यूनिक कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश की जा रही है। खैर अच्छी चीज है, देखो नए नए आइडियाज जब आएंगे तभी इंडस्ट्री जो हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो ग्रो करेगी एक अच्छे वे में, ये जो ड्रग्स के मामले की बात नहीं कर रहा मैं, अगर अच्छे अच्छे आइडियाज लेकर आते हैं अलग अलग कहानियों पर अगर वर्क करते हैं, देखो जब तक काम नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। तो एक इंडियन मार्केट को भी ऐसी जरूरत है, हम हॉलीवुड मूवीज को इतना अप्रिशिएट करते हैं वहां पर इतने अच्छे अच्छे VFX यूज कर, लेकिन एक वो वक्त भी तो आए कि भारत में भी ऐसी ऐसी मूवीज बने जहां पर बहुत अच्छे अच्छे VFX एक अलग अलग कहानियां इसके अंदर रिप्रेजेंट की जाए तो उसको देखकर अच्छा लगेगा। कब तक यहां पर ऐसी मतलब वो कितनी सारी लव स्टोरी के ऊपर मूवीज हमारे यहाँ देश में बन जाती, थोड़ा सा उनसे हटकर भी देखो अच्छा है, वो जिनको पसंद आ रही है उनके लिए बन रही है अच्छी बात है, लेकिन उनसे हटने की भी तो जरूरत है, थोड़ा बहुत एक अलग कॉन्सेप्ट भी तो लेके जाएं कि जहां पर हॉलीवुड जो मूवीज हैं वो इस सेक्टर को घेर के बैठी हैं तो बॉलीवुड मूवीज भी आए यहां पर और जाकर वो इस सेक्टर पे भी काम करें, एक यूनिक जैसे ये सुपर सोल्जर वाली जैसे मूवी आ रही है। तो अच्छा लगा ये वो ट्रेलर देखकर, जितना भी इसके अंदर एक्शन दिखाया गया वो काफी अच्छा लगा मुझे, और जितना भी इसमें VFX देखने को मिला है सच में वो मुझे कोई खराब नहीं लगा, वो काफी अच्छा लगा है मुझे। और यहां पर जो स्टोरी देखने को मिल रही है कि हाँ सुपर सोल्जर का एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं या साइबोर्ग का एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, लास्ट के जो अंदर जो टीजर खत्म होता है तो जॉन इब्राहिम सर की जो आंखें चमकती हुई वहां पर दिखती है, तो वो चीजें देखकर काफी अच्छा लग रहा है। फाइटिंग सीक्वेंस मैंने कहा बहुत बढ़िया लगे हैं मुझे, तो ओवरऑल टीजर मुझे बहुत पसंद आया, मैंने कहा कि गूज़बम्प आ गए थे इस टीजर को देखकर, एक मिनट या डेढ़ मिनट का ही लगभग है ये टीजर, अब इतना तो मुझे पसंद आया। लेकिन एक चीज जो मुझे पसंद नहीं आई वो ये, भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जैकलीन फर्नांडिस के जो एक्सप्रेशन है जो फेशियल एक्सप्रेशन इन्होंने दिए हैं वो भाई बिल्कुल भी सिचुएशन के साथ मैच नहीं कर रहे हैं।
या तो इन्होंने एक्टिंग करने के लिए इनको धक्के से इनको मतलब जोर डाला ही गया होगा कि भाई तुम्हें यहाँ पे एक्टिंग करनी ही करनी है, बिना एक्टिंग के तो काम चलेगा नहीं, मतलब डांस नहीं करना है यहाँ पे एक्टिंग करनी है। तो इनको एक्टिंग करने के लिए मजबूर किया गया होगा और इनका मन नहीं होगा एक्टिंग करने का, मतलब और इन्होंने ऐसे एक्सप्रेशन दे दिया फिर इनको एक्टिंग आती नहीं होगी। खैर जो भी है, मतलब मेरे को इतना गंदा वो एक्सप्रेशन लगा है यार सच में, शायद मैंने गंदा थोड़ा लंबा बोल दिया, बट ऐसा मुझे फील हुआ, शायद आपको नहीं हो सकता बट मुझे ऐसा फील हुआ, क्या था मतलब वो। खैर अगर आप लोगों ने टीजर देखा तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसा लगा, और ये भी बता देना ये वाला जो पर्टिकुलर सीन है वो आपको कैसा लगा। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।